कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत के लिए शनिवार कुछ डरावने आंकड़े लेकर आया। इसमें ग्लोबल केसों में भारत का शेयर बढ़ गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10,000 पार हो गया है। पॉजिटिविटी रेट का बढ़ना पहले से ही खतरे की घंटी है। डेली ग्लोबल केस यानी रोजाना दुनिया में बढ़े कोरोना केस में भारत का शेयर 12% हो गया है। ऐसा शनिवार को ही हुआ। इससे पहले शुक्रवार तक 11.8% था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह तक के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,637 केस आए हैं। अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 8,49,553 हो गई है। 24 घंटे में 551 और लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। अब तक 22,674 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित 2,92,258 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं 5,34,620 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से शनिवार को 223 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस को लेकर बढ़ रहा पॉजिटिविटी रेट चिंता पैदा कर रहा है। कुल टेस्ट पर कितने केस पॉजिटिव आए हैं यह पॉजिटिविटी रेट बताता है। भारत में यह पहली बार 20 जून को 6% के पार हुआ था। फिलहाल यह 7.09 के आसपास है। ज्यादातर प्रभावित राज्य जैसे महाराष्ट्र में तो यह 19% तक उठ गया है। ग्लोबल कोरोना केसों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ना चिंता की बात तो है, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 17.5% है। यानी पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसके 17.5% यहाँ रहते हैं। देखा जाए तो जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से भारत में कोरोना केस कम है।